का स्वागत है, स्वागत है सीएम जी का, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है सीएम जी का, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है सीएम जी का, स्वागत है। अभिनंदन है आज यहाँ पर नेट के सामने आप आ रहे हैं सरदार जी, प्रभावशाली क्षण है ये, ऐतिहासिक क्षण है। आज हमीरपुर में ठाकुर जी हमारे मध्य विराजमान हुए हैं, उनका यहाँ हमारा सबसे आग्रह रहेगा, दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगाज किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का चलो जलाए दीप बहा, जहां अभी भी अंधेरा है, कुछ इसी तरह का संकल्प, कुछ इसी तरह की उम्मीदें, आगे बढ़ते रहने का जज्बा और हिमाचल को शिखर की ओर ले जाने का संकल्प हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आज के सभी अतिथि गणों के लिए, सम्मान्य मंत्री श्री नड्डा जी के लिए, साथ में ही हमारे सम्मान्य पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के लिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन परमार जी के लिए। मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, जय श्री राम, जय श्री राम, एक बार जय राम जी, बार बार जय राम जी, साथ में ही निवेदन रहेगा सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी से कि वो सम्मान्य मुख्य अतिथि महोदय जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन। अब निवेदन श्री प्रेम कुमार धूमल जी को, साथ में ही श्री विजयपाल स्वाहरू जी स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन परमार जी का यहाँ अभिनंदन और संयोजक प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ और करेंगे स्वास्थ्य अपेक्षाओं से जो उन्हें इस मेडिकल से हैं का हिस्सा है, ग्रामीण फ्रिज भी इसको कहते हैं। अब हिमाचल प्रदेश का ये सौभाग्य है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में है उसका विशेष योगदान रहा। हिमाचल की धरती से जगत प्रकाश नड्डा जी संबंध रखते हैं, केंद्र में इस विभाग के मंत्री हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान। छोटा सा प्रदेश, 6 मेडिकल कॉलेज, पर 6 में से 3 मेडिकल कॉलेज जो है वो अभी ताज़ा तरीन जो है वो हमारे
बीच में, चाहे वो चंबा की बात है, चाहे वो मंडी की बात है, चाहे वो हमीरपुर की बात है, और उसके साथ हमारा नाहन का मेडिकल कॉलेज, और ये चार मेडिकल कॉलेज वर्तमान सरकार की देन है, केंद्र सरकार की। और उसके साथ साथ में यही नहीं, एम्स हिमाचल प्रदेश के लिए सपने से भी परे की बात थी, वो भी हिमाचल प्रदेश को मिला बिलासपुर में। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक जो है वो परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ी स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से हम आगे प्रदेश के बाकी प्रदेशों को पीछे छोड़कर के आगे बढ़ेंगे, और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जहाँ प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी की बात है, उस जिम्मेवारी को प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी। आज बहुत ही बड़ा दिन है, और इस आभार रैली के अवसर पर मैं समस्त हमीरपुर जिला की जनता की ओर से प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम सब के बीच में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सबकी ओर से करता हूं। ये हमारे लिए बड़ा दिन इसलिए भी है कि आज एक ही दिन में जहां डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के 250 बेड के अतिरिक्त अस्पताल की नींव रखी गई है, शिलान्यास किया गया है, वहां पर आवास की सुविधा का उद्घाटन किया गया है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है, और इन दो शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर मैं प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर जिला हमीरपुर की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी ओर से करता हूं। 190 करोड़ का, 190 करोड़ का ये बिल्डिंग, ये हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाओं से लैस, और जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे नई योजनाएं आएंगी, नई स्कीम आएंगी, और मैं ये तस्वीर देख सकता हूं कि आने वाले 5-6 साल बाद लगभग ये 350 करोड़ से ऊपर का मेडिकल कॉलेज विराजमान होगा, जिसकी आज श्री गणेश हम कर रहे हैं। आज हम हर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल साइंसेस खोल रहे हैं, आने वाले समय में भी 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, 54 हमको सुपर स्पेशलिटी खोलने का मौका मिला लगभग 200 करोड़ की लागत से, और उस 54 में भी दो हमने खोले तो एक शिमला में मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी को दिया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, और दूसरा दिया तो टांडा मेडिकल कॉलेज को दिया है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो वर्षों से लटका मामला है, हम हमीरपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। आज मौका आ गया इस गर्वामयी कार्यक्रम में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जयराम ठाकुर जी और श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके आशीर्वाद के कारण जो कमियां आई वो कमियां हमने दूर की, और आज यहां 250 बिस्तरों के मेडिकल उस अस्पताल का शिलान्यास, और यहां पर जो भव्य विशाल एक प्रशासनिक ब्लॉक बनेगा, वहां पर कक्षाएं चलेंगी, आज उसका शिलान्यास कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार का यह संकल्प है कि हम हिमाचल को और सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में हर कोई शिक्षित बने, ये सरकार का संकल्प है, और उससे भी ज्यादा मेरा ये हिमाचल प्रदेश, इसमें हिमाचल प्रदेश के हर किसी को सस्ती सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, ये हमारी सरकार का संकल्प है। इसलिए सरकार बनने के बाद जो पहला बजट प्रस्तुत किया गया उसमें क्या कहा गया, ये कहा गया कि हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। क्या कहा गया,
हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुफ्त दवाई देंगे। क्या कहा गया? हिमाचल प्रदेश को निरोगी हिमाचल प्रदेश बनाएंगे। क्या कहा गया? ये कहा नहीं गया। जो कहा गया उसके लिए बजट में पैसे का प्रावधान किया गया। मंत्री का, केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करने के साथ साथ मैं जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे पता है इसमें जहां जहां अड़चन आती थी तो टाइम बे टाइम जब भी मैंने फोन किया है, आज गौरव से कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उसका उत्तर देते थे और वो काम तुरंत करने का प्रयास उन्होंने किया है। आज उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। एक अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडिंग ओवेशन। हमीरपुर जिले को मेडिकल कॉलेज मिला है, सबने कहा ऐतिहासिक दिन है। आज वैसे भी आप देखो तो ऐतिहासिक दिन है, गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है, महाराणा प्रताप का जन्मदिन है और मुसलमान भाई आज ईद मना रहे हैं। ये त्रिवेणी है आज और चौथा बड़ा दिन हमीरपुर के लिए हो गया, मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया है। 190 करोड़ का, 190 करोड़ का ये बिल्डिंग, ये हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाओं से लैस। और जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे नई योजनाएं आएंगी, नई स्कीम आएंगी। और मैं ये तस्वीर देख सकता हूं कि आने वाले 5-6 साल बाद लगभग ये 350 करोड़ से ऊपर का मेडिकल कॉलेज विराजमान होगा, जिसकी आज श्री गणेश हम कर रहे हैं। आज हम हर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल साइंसेस खोल रहे हैं। आने वाले समय में अभी 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 54 हमको सुपर स्पेशलिटी खोलने का मौका मिला लगभग 200 करोड़ की लागत से। और उस 54 में भी 2 हमने खोले तो एक शिमला में मेडिकल कॉलेज IGMC को दिया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और दूसरा दिया तो टांडा मेडिकल कॉलेज को दिया है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं।